असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एकदम मज़े में हूँ आज थी मेरे कज़न ब्रदर की इंगेजमेंट जो कि बहुत अच्छा इवेंट रहा और क्योंकि मैं जल्दबाजी में जो है वो शुरू का ब्लॉग नहीं बना पाई लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं घर आ गई हूँ कि उन्हें आपसे ये शेयर किया जाए तो छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं और मैं कुछ ऐसी लग रही थी और एज़ यूजल मेकअप डन माई माई सेल्फ तो जी मैंने कुछ इस तरह का आई मेकअप किया है आपको देखना होगा थोड़ी सी कट क्रीज है लैशेज हैं लेंसेज लगाए हैं और सिंपल मैंने अपना गोल्ड का जो है वो छुटा सेट पहना है और ये मेरा कुछ इस तरह का ड्रेस है ड्रेस की फुल वीडियो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ अच्छा जी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मुझे कहते हैं सदफ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और इवेंट में बहुत मज़ा आया खाना बहुत मज़े का था मेरा ब्रदर बहुत प्यारा लग रहा था माशा माशा नए जो जोड़ा बना है अभी आगे इनमें इसी तरह तफाकी रखें और खुश रखें इनको और जो है साथ साथ उनके लिए नेक है मेरी बहुत सारी हैं ठीक है तो अभी क्या करना है बस मुझे समेटना है चेंज करना है ड्रेस और फिर जो है आगे के बारे में आपको बताएंगे तो आपने मुझे बताने में कैसी लग रही थी ठीक है और किस तरह बताना है मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तो जी यहाँ हम आ चुके थे अपने बनकूट पे और बहुत ही प्यारा था और ये कुछ रेड फ्लावर्स मुझे नजर आए जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे तो मैंने इनको भी जो है वो क्लिप में एड ऑन किया और साथ साथ जो है यहाँ पर मैं जो हूँ फंक्शन में इंजॉय कर रही थी मेरी काफ़ी सारी कज़न से मेरी मुलाकात हुई और यहाँ नूर फातमा एंड मैं हम दोनों जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे साथ बैठ के और जी इधर स्टार्ट हो चुकी थी रस्म और फैमिली फ़ोटोशूट्स हो रहे थे और रस्म हो रही थी और मैं फिर चली गई स्टेज के बिल्कुल करीब जाके वहाँ इंजॉय कर सकूँ और देख सकूँ सब कुछ तो यहाँ जी रस्म प्रॉपर होने लगी है और सबकी मतलब लाइक माई फैमिली माई मदर ये सब जो है वो प्रॉपर रस्म कर रहे थे और साथ साथ जो है वो मेरे ब्रदर की जो है ना वो बर्थडे भी थी तो उनकी जो है वो बर्थडे का केक जो है वो यहाँ कट किया जा रहा है बड़े प्यार से और उनको विश किया जा रहा है उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स की जानब से तो बड़ा अच्छा लगा था और ये अच्छा भी लगता है कि कपल का एक वैसे ही खुशी है और दूसरा बर्थडे भी हो सो so, यहाँ आप देख सकते हो मेरी फुल लुक ये कुछ मेरी ऐसी फुल लुक थी और मैंने बिल्कुल ही अपने uh, ड्रेस मेरा क्योंकि हैवी था तो मैंने मेकअप एंड ज्वेलरी बिल्कुल लाइट रखी थी एंड उसके बाद बस फिर खाना वगैरह खाया जिसकी ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई तो हम चलने लगे लेफ्ट की जानेब और हमें वेटिंग पे थे तो फिर मैंने यहाँ भी थोड़ा बहुत कैप्चर किया जो मुझे कुछ ना कुछ नज़र आया और साथ में जी एक फूलों का गुलदस्ता जो कि मैं देने वाली हूँ अपने प्यारे प्यारे हस्बैंड को <laughs> और फिर उसके बाद जो है अब हम आ चुके हैं घर में और घर आके मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर जो है आपको डिटेल्स दे दूँ कुछ अपनी आउटफिट की तो जी मैंने पहने थी ये सैंडल जो कि बहुत ही खूबसूरत थी उसमें पाँव बहुत प्यारे लगते हैं इट्स फ्रॉम बोल और ये मेरा पूरा ड्रेस था जो कि फुल हैवी था कलर आइस ग्रीन एंड शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन था जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ड्रेस हैवी था इसलिए मैंने ज्वेलरी बिल्कुल मिनिमल रखी थी होता ये कि जब आपका ड्रेस हैवी हो तो आपको ज्वेलरी बिल्कुल मिनिमल रखनी चाहिए और दो तो आप न्यूली वेड ब्राइड ही क्यों ना हो तो मैंने यहाँ अपने गोल्ड के हाफ सेट वेयर किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रहा था मेरे ड्रेस के लुक के साथ और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी लग रहा था और मैंने कुछ अपनी रिंग्स पहन ली थी मतलब मैंने अपनी जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो फिर वेयर करना यहाँ जो है वो ज़रूरी समझा सम बेंगल्स पहन ली थी और नेल पेंट अप्लाई किया था और मेकअप किया था अपना और कल्स किए थे तो क्योंकि ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सराइज कर लेने से भी आपके लुक जो है वो बहुत ओवर हो जाती है तो इतना नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो ब्रेसलेट्स पहन लें और बहुत कुछ पहन लें ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब कुछ जितना हो सके अपनी लुक को मेंटेन रखें अगर ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो ज्वेलरी जो है वो फिर आप मिनिमल रखें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी थी और चिड़ियाँ वगैरह पहनें लेकिन कलर मैच करके कलर कंट्रास्ट के साथ बहुत ज़्यादा हैवी की तरफ ना जाएँ तो बस यहाँ मैं आ गई थी और अब मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ इस ड्रेस की अगर आप स्टिचिंग आइडियाज़ सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए शूट कर लूँगी प्रॉपरली ये मेरा कुछ मेकअप था और जिसने मैंने लैशेस ऑर्डर की थी मैं लाइनर नहीं लगाया था लेंस लगाए थे एंड सिंपल मेकअप किया था अब बस फिर एंड में काम वाम समेटने के बाद मुझे याद आया कि भैया मुझे तो वहाँ से मिठाई भी मिली थी तो फिर अब मैं बस सोने से पहले थोड़ा सा मीठा शीटा टेस्ट करूँगी देन जो है वो सोऊंगी और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे ब्लॉग आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब इन आदमी करिएगा